गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो आज SBEC का पेपर था। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ ओल्ड सिलेबस की। पिछले एक साल में चाहे 29 वाला जो कांड हुआ था, ठीक है, फिर जो लाइव सेशंस हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले एक साल में बच्चों। लास्ट वन ईयर हैज़ बीन वेरी डार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। आज पेपर SBEC का था और अच्छी चीज़ यह है कि ICSE एक्सपेक्ट करती है भाई कि बच्चों को कंपनी लॉ आता है। पार्ट सी मतलब आपने बाइफर्केशन करके दिया है कि पार्ट ए में इतना आएगा, पार्ट बी में इतना आएगा, पार्ट सी में इतना आएगा। पार्ट सी 25 मार्क का पार्ट है, ठीक है, और 25 मार्क के पार्ट में से आपने पार्ट सी में सिर्फ 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे, आपने पार्ट सी में पार्ट बी घुसा दिया। और चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, मतलब आप समझिए कि ठीक है आपने किया, नहीं भाई ठीक है हमने कर दिया। तो अगर आपने ये करना था तो सबसे पहले आपने मुझे ये बताइए कि बायफर्केशन आपने आपने बायफर्केशन क्यों किया। दूसरी चीज़ है कि जब आप बायफर्केशन करते ही मत, अब बच्चा बेचारा एग्जाम पेपर में पढ़ रहा है और उसकी हालत ख़राब हो गई कि यार उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी लॉ का पेपर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ या SBEC का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है यू प्रॉमिस व्हाट यू कमिट एंड यू आप प्रॉमिस वही करते हैं जो आप कर सकते हैं और आप करते वही हैं जो आप प्रॉमिस करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक प्रिंसिपल है कमिटमेंट को ऑनर करना। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा, पिछले एक साल से मैं कह रहा हूँ बच्चों, पिछले एक साल से ये जो गड़बड़ हमारे कोर्स में हुई है, कोर्स अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ कि अभी डिमांड भी कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट डिमांड बढ़ गई इसका मतलब आप क्या, मतलब बच्चों के साथ किस चीज़ की हम दुश्मनी निकाल रहे हैं, मतलब हम बच्चों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। आज का पेपर मैं बच्चों से मिला हूँ, मैं अभी मिल के आया बच्चों से, लाइक 5-6 बच्चे क्लास में आए एंड दे वर वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड कि सर हमको इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा दिमाग आधे घंटे काम करना बंद कर दिया कि हम पार्ट सी में इतना पढ़ के गए थे, हमने PPIRP पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, बट वॉट इज ICSE डन। मतलब आप कम से कम आप बाइफर्केशन करना बंद कर दो ना। सो पेपर्स आई डोंट नो, बाकी पेपर्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं अच्छे थे, बट आज के पेपर में ऐसा क्यों किया गया, मतलब इस चीज़ का आंसर देना चाहिए। और जब आपने कंपनी लॉ का अलग पेपर रखा है 100 मार्क का, तो SBEC के पेपर में आपने 52 से 53 मार्क के कंपनी लॉ के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, नहीं SBEC में भी कंपनी लॉ का पार्ट है, आप 25 मार्क का पूछ लेते, 30 मार्क का पूछ लेते, और जबकि SBEC में स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोविजन था, आपने स्ट्राइकिंग ऑफ से क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने डोमेन कंपनी से क्वेश्चन नहीं पूछा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अरे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए जिस बच्चे का कंपनी लॉ एक साल पहले, डेढ़ साल पहले एग्जम्प्ट हो चुका था, उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी आज का पेपर देने के बाद। सो मनीष गुप्ता जी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि सर आपके एक साल, मतलब मैं 14-15 साल से टीचिंग में हूँ, बट ये जो एक साल है ये पूरे कोर्स पूरे CS के स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है, आपके आपके जब से आपने लीडरशिप ली है, और हम बस उस दिन का वेट कर रहे हैं कि 31 दिसंबर आएगा, आपकी प्रेसिडेंशियलशिप जाएगी। बिलीव कीजिए मैं बहुत करेज के साथ बोल रहा हूँ, और मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, बट आपकी लीडरशिप हैज़ बीन डार्केस्ट, लाइक आपकी लीडरशिप के अंदर बच्चे सच में बहुत परेशान हुए हैं। मतलब हमने अपना खून पसीना अपने इस कोर्स को दिया है, CS कोर्स को दिया है हमने, हम क्योंकि हम इस कोर्स में बिलीव करते हैं, आज हमारे पास जो भी है इस कोर्स के कारण है, और हमने बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनते देखा है इस कोर्स के चलते। लेकिन सर जब से आप आए हैं तब से इस कोर्स में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, चाहे वो पेपर चेकिंग में गड़बड़ हो, और सर एक्चुअली क्या है ना, आप लाइक आप लोग जाके बढ़िया आप ना बढ़िया चकाचौंध में जाते हैं सर, आप लोग बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आप फोटोज़ खिंचाते हैं, आप डेफिनेटली कोर्स को प्रमोट भी करते होंगे, बट सर ग्राउंड पे हम खड़े हैं, बच्चों के साथ हम खड़े होते हैं, हमको पता है, हमने बच्चे को ना फेल होते देखा है, हमने उस बच्चे को फेल होते देखा है जिसने पिछले साल भर में 9-9, 10-10, 11-11 घंटे पढ़ाई की है सर, जिसने कई घंटे लगा दिए हैं, जिसने मतलब जिसकी फैमिली में कोई डेथ हुई है वो अपने मतलब देखने नहीं गया बट उसने पढ़ाई की है, और सर आप ऐसा मजाक करते हो बच्चों के साथ पेपर में, सर दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और बस मैं, अब हमने तो बहुत डिमांड की थी कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, आपने रिज़ाइन नहीं किया, बट हम बहुत खुश हैं कि सर आपकी प्रेसिडेंशियलशिप ख़त्म हो रही है, एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी सर, और भगवान आपको बहुत आगे लेके जाए, और नए प्रेसिडेंट जो भी आते हैं हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो कम से कम स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए अच्छा करें, कोर्स के लिए अच्छा करें, मतलब रादर देन कि हम बच्चों को कैसे फंसाएँ,
कैसे हम बच्चों को कठिन क्वेश्चन पेपर में और ये सब करके फंसाएं, उससे अच्छा हम ये करें कि प्लेसमेंट्स को हम कैसे बढ़ाएं, नए नए एरियाज हम कंपनी सेक्रेटरीज के लिए कैसे बढ़ाएं। यू नो, कोई भी सोशल मीडिया पे सीएस कोर्स के बारे में, लाइक कुमार विश्वास का एग्जांपल है, कुमार विश्वास के केस में हमारे आकाश शर्मा करके लॉयर हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी, वो अपने खर्चे पे केस लड़ रहे हैं। आपके कोर्स को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, हमारी आईसीएसआई एक्शन नहीं लेती। तो सर, इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव करें, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। पेपर के स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सुधारने चाहिए, और इस बार सर प्लीज़ चेकिंग में कांड नहीं होना चाहिए। चेकिंग कम से कम ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। बच्चे 1200-1500 रुपए की एग्जामिनेशन फीस भरते हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं होगी। हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है आपसे, अब आप सर इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट ही समझिए कि बस की चीज़ें बेटर हों, और बस हम उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि आपकी प्रेसिडेंशियलशिप खत्म हो और चीज़ें नए प्रेसिडेंट के अंदर चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हों, काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हो। थैंक यू सो मच।